आ चुके हैं फिर से कमाल का वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे इस तरह का वीडियो कैसे बना सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जान लेते हैं कैसे बना सकते हो। लेकिन तुम लोग को आज की इस वीडियो में पीसेट डायरेक्ट मिलेगा जो कि bit2kitech.in पे चल जाना है, वहाँ पे आपको पीसेट मिल जाएगा। डाउनलोडिंग कर लेना, सेम थंबनेल यूट्यूब का जैसा थंबनेल रहता है सेम थंबनेल आर्टिकल में भी रहेगा, ब्लॉग पोस्ट में, वहाँ पे आपको थंबनेल मिल जाएगा, मतलब क्या पीसेट मिल जाएगा जो कि तो देखो इस तरह का प्रोजेक्ट है। अगर तुम लोग को डायरेक्ट पीसेट चाहिए वो भी भैया प्रोवाइड कर दिया जाता है, फंड भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो दोस्तों प्लस पे टैप करके 9:16 करके क्रेडिट पर क्लिक करना, प्लस पे टैप करना, मीडिया पर जाना है, उसके बाद जो सॉन्ग बनाना चाहते हो के लिए ये वाला सॉन्ग है इसको सुन के आपको पहले इस पर टैप कीजिए, स्टेक ऑडियो कीजिए। हम फिलहाल के सॉन्ग को हम कम कर लेते हैं, बीट मार्क कुछ इस तरह से कर लेना है आपका जो होगा, तो आप अपने अनुसार से कर लेना। प्लस पे टाइप करना, एटैक्स पे जाना, उसके बाद यहाँ पे फोन को चूक करना जो कि है आपको जो फोन रहेगा, तो यहाँ पे सर्च कर लेना है मिनी, ये वाला फोन है इसको सेलेक्ट करना, इसको बीचों बीच कर लें, उसको यहाँ पे यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं, इसको बड़ा करते हैं, इसको डॉट कर लेते हैं, हो गया। इसका कलर जो देना है वो दे देना है, उसके बाद जो है ये हो गया। उसके बाद अगर इसमें जाके आपको थोड़ा सा एनिमेशन देना है तो हमको फिलहाल अगर इसमें टैप करते हैं मोबाइल ट्रांसफॉर्म जाते हैं प्लस आइकन, एक यहाँ प्लस आइकन, इसके बाद कुछ इतना पे हम फिलहाल के लिए जूम करते हैं। करना चाहते हो तो कर लो, नहीं करना है नहीं भी कर सकते हो, तो वो इफेक्ट लगाएंगे तो जूम में दिखाई देता है। फिर प्रोजेक्ट में जाते हैं जो कि इस वाले प्रोजेक्ट है, उसके बाद यहाँ इफेक्ट को जाके कॉपी कर लेते हैं इफेक्ट, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे जाके आपको पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद देखो इस तरह से आपका एनिमेशन बन जाएगा। अगर मैनुअल एक एक मतलब इफेक्ट लगाऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो समझ लो। तो इस तरह का मान लेते देख सकते हो, इस तरह का एनिमेशन बना सकते हो। उसके बाद कॉपी कर लेना है और उसके बाद यहाँ से अगला लिरिक्स जो है पेस्ट कर देना है, तो देखो इस तरह से वर्क करेगा। अगर इसमें हम ये देखो इस मल्टीप्लाई टाइप का है, इसमें अगर कलर हम नहीं देना चाहते हैं तो उसके लिए उसका भी तोड़ है, तो ए इफेक्ट पर जाना है, उसके बाद यहाँ पे इज लाइन को आपको डिसमिस कर देना, तो इस तरह से कलर आपका आ जाएगा। इसमें आपको शैडो को जो है इनेबल कर लेना है हर लिरिक्स में, और स्ट्रोक को भी दे देना है वाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है, तो कुछ इस तरह से आपका लिरिक्स हो जाएगा। अगर इसमें जो इस तरह से हम लिखते हैं तो बड़ी अक्षर में लिखोगे तो इस तरह से फॉन्ट वर्क करेगा, इसमें ग्लो देंगे तो काफ़ी ज़्यादा इस तरह से वर्क करेगा। तो ग्लो कैसे देना तो वन क्लिक में जानेंगे, आगे जानेंगे वन क्लिक में ग्लो कैसे दे सकते हो बिना किसी इफेक्ट को लगाए। तो वीडियो पे बने रहना, कहीं ना कि पता लो कैसे बनाते हैं तो वो तो भैया जो पुराने हैं वो तो जानवे करते होंगे, तो इस तरह से कर लेना। फिर से अगला लिरिक्स देंगे पेस्ट कर देना इस तरह से, इसको सिम में अगर देना चाहते हो तो इज लाइन है इसको डिसमिस कर दो, इस तरह से आएगा, इस तरह से देखो वर्क करेगा। फिर बैक करते हैं प्रोजेक्ट में जाते हैं जो कि ये वाला प्रोजेक्ट है, जिस ये वाला नल टाइप का है। नल इसमें ऐड नहीं किया हूँ मैं, मैन्युअली ऐड किया हूँ क्योंकि लैग बहुत ज़्यादा कर रहा था फोन। इसको हम कॉपी कर लेते हैं लेयर्स को, तीनों लेयर को, ओके बैक करते हैं प्रोजेक्ट में जाते हैं। अगर मान लेते हैं हमको यहाँ से लगाना है, यहाँ से पेस्ट करते हैं, और इसमें कलर कैसा है तो कलर आपको कलर फील्ड पे चल जाना है, गैलरी पे चल जाना है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा वो टेक्सचर कलर जो कि ये वाला है, ये इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेकेंड में भी वही आपको टेक्सचर पिक है, पिक से मैं इस तरह का लेयर्स में कलर डाला हूँ, इस तरह से कर लेना जो कि तीनों में चारों लेयर में कर लेना है। इस तरह से आपका जो भी सॉन्ग है वो इस पर टैप कर लेना, लिरिक्स को चेंज कर लेना है तीनों में, इसमें भी फिर सेकेंड में भी वही लिरिक्स को चेंज कर लेना है। उसके बाद देखो इसमें इफेक्ट जो लगाया है तो इस पर टैप करना, सिर्फ यहाँ पे एक इफेक्ट जूम आउट का इफेक्ट है इस तरह से, उसके बाद यहाँ फिर सेकेंड में जो है जूम आउट है जिस तरह से जूम आएगा, राइट साइड से आएगा लेफ्ट साइड जाएगा लास्ट में इस तरह से,
उसमें इफेक्ट कुछ इस तरह का ये है ट्रांसफॉर्म, अगर इसमें ये वाला इफेक्ट दोगे कुछ इस तरह से वर्क करेगा, और ये सब इफेक्ट इनेबल कर दोगे तो इस तरह से वर्क करेगा। तो हमको ये इफेक्ट नहीं चाहिए भैया, हम डिसमिस करते हैं। अगर तुम लगाना चाहते हैं तो सेम ही जो इफेक्ट फर्स्ट में देखे थे वही इफेक्ट है, सिर्फ एक मतलब जो है लैरिस का जो कलर जो होता है टेक्सचर कलर वो पिक से चेंज हुआ है, तो इस तरह से कर लेना। एंड तक करना, मोबाइल फ़ोन लैग हो रहा है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, तो इस तरह से कर लेना, एक्सपोर्ट कर लेना। तो हम पूरा कंप्लीट आप कर लोगे इसी प्रोसेस से, तो एक्सपोर्ट कर लेना। एक्सपोर्ट करने के बाद चलिए नोट वीडियो में हम चलते हैं। तो दोस्तों नोट वीडियो को हम ओपन कर लेते हैं। तो नोट वीडियो को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, इंपोर्ट पे टैप कर लेना है। अगर तुम लोग को बता देते हैं कि वन क्लिक में बिना किसी इफेक्ट लगा है मैं एडिट करूँगा, देखिए तुम लोग को पिक्चर भी देता हूँ और इसका वीडियो भी दे दिया जाएगा। तो इस तरह से जाते हैं, उसके बाद लोड टेम्पलेट जीप है इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये वाला वीडियो को जो मैं दूंगा सेलेक्ट कर लेना है। थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे पिकअप टैप टू वीडियो, जो नॉर्मल वीडियो बनाए होंगे उसको सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक ये लगा देगा ग्लो, तो इस सेलेक्ट करेगा एक्सपोर्ट कर लेना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में एकदम छोटा सा वीडियो है, तो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल लगा तो लाइक कर देना है, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। तुम लोग अगर पिक्चर अगर डाउनलोडिंग करने में कोई सा तकलीफ आता है तो तुम लोग मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम का आईडी है बिट्टू की टेक, तो कर लेना मैसेज। और पिक्चर जो मिलेगा बिट्टू की टेक .in सर्च कर लेना है, और नहीं तो टेलीग्राम चैनल पर भी लिंक दिया जाता है तो वहाँ से डाउनलोडिंग कर लेना है। सेम आर्टिकल रहेगा जो कि यूट्यूब का और वेबसाइट का जो थंबनेल होता है वो सेम रहेगा, तो जाके डाउनलोडिंग कर लेना है अलर्ट मोशन सेक्शन में जाके। तो ओके करके सक्सेस हो गया, मेरा वीडियो बन गया। तो कुछ इस तरह का मेरा वीडियो बन के रेडी हो जाता है, जो कि वन क्लिक में मैंने बना लिया। तो इस तरह से आप बना सकते हो, देखो इस तरह से आप वन क्लिक में लिरिक्स वीडियो बना सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही कमाल का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर से कमाल का वीडियो लेके आ।